समूचे मध्य प्रदेश सहित खरगोन जिले में भी भारी बारिश के कारण खरीफ की फसलों के साथ ही मिर्ची की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन किसानों द्वारा लगातार समस्या बताने पर भी जिला प्रशासन खराब फसलों का सर्वे नहीं करवा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले एक माह में भारी बारिश के कारण मिर्च की फसलों में वायरस लग गया, जिससे सारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन इस ओर न तो शासन ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासन। पिछले दो सालों से सर्वे के नाम पर किसानों से धोखा किया जा रहा है। खरगोन विधायक रवि जोशी ने SW24 न्यूज़ टीम से बातचीत में बताया कि मैंने स्वयं चार दिनों में 26 गांवों का भ्रमण किया, जहां किसानों की फसलें अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है। ऐसे में जिलों को आपदाग्रस्त घोषित कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। पिछले एक माह में भारी बारिश के कारण किसानों की काफ़ी फसलें बर्बाद हुई है और आपने स्वयं पिछले चार दिनों में 26 गांव का भ्रमण किया है, तो सरकार सर्वे करवा रही है या नहीं, या मुआवजा दे रही है नहीं? पिछले एक माह में कपास, मिट्टी, सोयाबीन, मक्का सारी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। सरकार किसानों के प्रति, किसानों की फसल की बर्बादी के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। जिला प्रशासन को हमने 15 दिन पूर्व किसानों को एकत्रित करके ज्ञापन दिया कि किसानों की फसल का मुआवजा सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाए, राहत राशि दी जाए, ताकि किसान इस समस्या से उभरे। खरगोन तहसील के अंदर कई गांव में सर्वे चालू हो चुका है। वो गाँव तहसील में किसी भी तरीके का राजस्व विभाग का अभी तक सर्वे आज दिनांक तक चालू नहीं हुआ है। मैं कलेक्टर महोदय से परसों भी निवेदन करा के उन किसानों को, जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनका सर्वे करवा कर उनको राहत राशि, उनको मुआवजा दे, ताकि किसान इस समस्या से उभर पाए। सर, आपकी एक मांग ये भी है कि जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। पूरा जिला इस वक्त आपदा परेशान है, किसान परेशान है। पूरे जिले के किसानों को एक बार मुआवजा मिले, राहत मिले, तो ही किसान उभर पाएगा। क्योंकि किसान की बारिश की होने वाली फसल, चाहे कपास हो, मिर्ची हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, सब पूरी तरीके से बर्बाद हो। धन्यवाद सर। कोरोना का कारण भी मतलब सर्वे हो ही गयो, पर मुआवजा को अभी तक कोई निश्चित नहीं हुए, कई हुए कि नहीं मिला, कि नहीं मिला। कौन आया तो सर्वे करना? पटवारी नहीं थी। तो काय बोले फिर? क्योंकि दादा हम सर्वे करना आया गए थे, तम ये बताओ तुम्हारी मिर्ची उर्ची फोटो वोटो खींची लई गई वा, अब लिखी ने भी लई गई, 3 एकड़ की मिर्ची लगेल थी अपनी, तो खराब हुई गई। खराब हुई गई वो, तो मुआवजा का नहीं बोला? हाँ, अभी लिखी ने दही दिया कि अब काई हो नहीं, मुआवजा मिल लो नहीं मिल लो। तो कब ले गए फोटो खींच के? ये कब हुईगा? आज कम से कम 8-10 रोज हुईगा। तो अभी तक वापस आए कि नहीं आए? हाँ, कोई नहीं आयो। कोई नहीं आया? हाँ। आपका नाम दादा? मारा नाम सीताराम जी। तो मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा है। कोई आया था सर्वे के लिए? सर्वे के लिए मतलब पटवारी मिर्ची का नाम लिख के ले गई। तो बाद में कहीं बताया? नहीं, अभी कहीं नहीं हुआ। कहीं बोल के भी नहीं गए? नहीं। तो अभी मतलब सिर्फ सर्वे भी नहीं हुआ? सर्वे ये कि वो पटवारी मिर्ची देखने गई थी खेत में, बाकी कपास के भी सब घेटे खिल गए, उसका सर्वे नहीं, अभी कपास का नहीं हुआ। तो फसल खराब होगी बारिश के कारण? हाँ, खराब होगी। तो मुआवजे का कहीं बोला? नहीं, अभी कहीं नहीं बोला। मुआवजे की बात करी? नहीं, कहीं नहीं करी। तो तुमने बात नहीं रखी अपने की मुआवजा हमको चाहिए? बोले की मुआवजा मिलेगा कि हम सर्वे करने आएगी, जब बोले मिर्चियों की फोटो ले ली, बस गरीब हो गए, फोटो लेके चले गए। हाँ, बस सिर्फ फोटो ही ली, बस फोटो। ऐसा नहीं कह बोला कि मुआवजा मिलेगा? नहीं, कहीं नहीं बोला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।